Again, very good morning to all of you. Students, today we will continue with the same chapter that we have started day before yesterday, conjunctions. Today, I have solved exercise in front of you. We were on part G. Day before yesterday, I have told you the definition of conjunctions. What is conjunction? Koi bata sakte hai bache? क्या है कंजंक्शन मैम? कंजंक्शंस वो होते हैं जो यस यस हम दो सेंटेंस को जोड़ता है. यस, टू सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है. यस दक्ष. Yes, ma'am. What is the definition of conjunction? Conjunction ki definition? Ma'am, a conjunction is a joining word. It joins words, group of words or sentences. Yes, very good. Yes, dear students. Day before yesterday, we have done part E. Now we will do part F. But example of this conjunction is she is rich, she is unhappy. She is rich, rich matlab ameer hona. She is unhappy, unhappy matlab khush na hona. Maine aapko bataya tha ki तो है फिर भी खुश नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट वॉज सीरियस, शी वॉज नॉट हर्ट. यस, एग्जाम्पल इज द एक्सीडेंट वॉज सीरियस. एक्चुअल था वो बहुत सीरियस था. She was not hurt. Hurt होता है चोट लगना, पर उसे ज्यादा चोट नहीं लगी. कंपेरिजन, जबकि एक्सीडेंट बहुत सीरियस था लेकिन फिर भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगी. बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु जिसे आप बोलते हो. लेट्स कम टू पार्ट जी. यूज बट टू ज्वाइन द फॉलोइंग. First is, it is a small school. It has all the facilities. एक छोटा सा स्कूल है, इसमें सारी facilities हैं. Facilities मतलब सुविधाएं हैं. क्या बनाएंगे हम? It is a small school, but has all the facilities. ये स्कूल तो छोटा है लेकिन यहाँ पर सारी facilities हैं. Second is, we liked the house very much, but it was too expensive. Expensive क्या होता है? कोई बताएगा expensive का meaning? Expensive. Raise your hand. किसी को पता है expensive का मतलब? Yes. No, no. Yes, Vidhi. Ma'am, जो मतलब जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है. Yes, जिसकी कॉस्ट ज्यादा होती है. वेरी गुड. वी लाइक द हाउस वेरी मच. हमें वो घर बहुत पसंद आया. इट वॉज टू एक्सपेंसिव फॉर हस. लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, महंगा था. वी लाइक द हाउस वेरी मच बट. आपको जो सेंटेंसेस ज्वाइन करने हैं उसमें आपको बट यूज करना है, ठीक है? बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव फॉर अस. Levansh Siroha, what are you doing? Third sentence, he faced
many difficulties. He did not lose heart. उसने बहुत सारे difficulties face की. He did not lose heart. फिर भी उसने दिल नहीं छोड़ा. He faced many difficulties, but did not lose heart. मतलब उसने हार नहीं मानी. Difficulties face की, लेकिन उसने हार नहीं मानी. Akbar was intelligent. Akbar could not read or write. अकबर इंटेलिजेंट तो बहुत था, अकबर पढ़ लिख नहीं सकता था. हर एक में देखो एक पॉजिटिव चीज दी हुई है, ठीक है. उसका कंपैरिजन जो किया हुआ है वो उसकी नेगेटिव है, उसकी ऑपोजिट चीज से किया हुआ है. कि अकबर इंटेलिजेंट तो बहुत था, लेकिन अकबर लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, वो लिख और पढ़ नहीं सकता था. अकबर वॉज इंटेलिजेंट बट कुड नॉट read or write. Last, sometimes the children make a lot of noise. The teacher does not get angry. कई बार बच्चे बहुत ज्यादा शोर करते हैं, टीचर गुस्सा नहीं करती. ऑपोजिट हो गया ना, टीचर गुस्सा नहीं कर रही जबकि बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं. Sometimes the children make a lot of noise, but the teacher does not get angry. नेक्स्ट इज और. यूज ऑफ और कंजंक्शन हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे पास चॉइस होती है कि आप ये लेना चाहोगे या फिर ये. ओके, लाइक फर्स्ट एग्जांपल, वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक अ कोल्ड ड्रिंक. तुम टी लेना चाहोगे या कोल्ड ड्रिंक? वुड यू लाइक टी और अ कोल्ड ड्रिंक. सेकेंड इज डू नॉट मेक अ नॉइस, लीव द रूम. ऑप्शन है तुम्हारे पास, डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, और लीव द रूम, या फिर रूम छोड़ दो, मतलब रूम से बाहर चले जाओ. एक्सरसाइज फॉर दिस कंजंक्शन, फर्स्ट वन इज डू यू वॉन्ट टू गो आउट, डू यू वॉन्ट टू टेक रेस्ट. ऑप्शन है आपके पास, या तुम बाहर जाना चाहते हो या तुम रेस्ट करना चाहते हो. डू यू वॉन्ट टू गो आउट और टू टेक रेस्ट. तुम बाहर जाना चाहते हो या फिर रेस्ट करना चाहते हो, चॉइस है आपके पास. जब आपके पास चॉइस होगी तब आप कौन सा कंजंक्शन यूज करोगे? और. नेक्स्ट इज कीप द मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, इट विल टर्न सोर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर? रेज योर हैंड जिसे पता है इसका मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर? डेजी. मैम खट्टा. मैम खट्टा. यस यस. Keep the milk in the refrigerator. It will turn sore. Choice है आपके पास, या तो इसे रख दो refrigerator में, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? Sore, खट्टा. Keep the milk in the refrigerator or it will turn sore. Third one, you should pay the bill on time. You will have to pay a fine. फिर से option कि आपको या तो bill time पे pay करना चाहिए या फिर तुम्हें क्या देना पड़ेगा? Fine. You should pay the bill on time or you will have to pay a fine. Fine dena padega. Fourth one, is this movie a comedy? Is it a thriller? Is this movie a comedy or a thriller? ध्यान से सुनो बेटा, आपको solved exercise में इसीलिए show कर रही हूँ कि मैंने आपसे examples लेने हैं last में. ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे ही और ये जितने भी हमारे कंजंक्शंस हैं और बट बिकॉज एंड इनके एग्जांपल्स आप मुझे दोगे. ओके, और वो बुक सेम ही होने चाहिए, आप खुद फ्रेम करोगे सेंटेंसेस. सो बी अटेंटिव. नेक्स्ट इज बिकॉज. बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि. समटाइम्स द फर्स्ट सेंटेंस सेज समथिंग एंड द सेकंड सेंटेंस गिव अ रीजन. फर्स्ट सेंटेंस में कुछ कहा जाता है, सेकंड सेंटेंस जो होता है उसमें रीजन दिया जाता है उसका. हम उन जब दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? बिकॉज. लाइक फर्स्ट एग्जांपल, ही हैज नॉट कम टू प्ले, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट. वो खेलने नहीं आया, ये बात बताई गई है. क्यों नहीं आया? नेक्स्ट सेंटेंस में रीजन दिया हुआ है, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट. वो एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, टेस्ट प्रिपेयर कर रहा है. रीजन है ये.
He has not come to play because he is preparing for a test. यहाँ आप he remove नहीं करोगे, same pronoun remove नहीं करोगे आप, अदरवाइज कंप्लीट सेंस नहीं बनेगी. बिकॉज के बाद आपको फिर से कंप्लीट सेंटेंस लिखना है. मीन आपको बहुत सिंपल हो गया इसे ज्वाइन करना, सिर्फ आप बीच में बिकॉज वर्ड ऐड करोगे. शी इज पॉपुलर, शी इज फ्रेंडली एंड हेल्पफुल. शी इज पॉपुलर, वो पॉपुलर है, बहुत फेमस है. रीजन क्या है, किस लिए वो फेमस हुई है? शी इज फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है, सबकी हेल्प करती है, इसलिए वो बहुत पॉपुलर है. She is popular because she is friendly and helpful. Join the following sentences with because. First one is, I lay down to take some rest. I was feeling very tired. मैं थोड़ी देर लेट गया रेस्ट करने के लिए. Reason क्यों लेट गया? I was feeling very tired. Yes, Chirag. Chirag, mute yourself. Chirag. Yes. First sentence में आपको बात बताई गई है कि मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया. Reason, I was feeling very tired. क्योंकि मैं बहुत tired, थका हुआ feel कर रहा था. आपको सिर्फ देखो बीच में because add करना है. I lay down to take some rest because I was feeling very tired. Second one, we were late for school. We had missed our school bus. हम स्कूल के लिए लेट हो गए. क्यों? We had missed our school bus. हमने अपनी स्कूल बस मिस कर दी. We were late for school because we had missed our school bus. Third one, we shall spend our holidays at Almora. हम अपनी holidays Almora में spend करेंगे, बिताएंगे. क्यों? My uncle runs a hotel there. क्योंकि मेरे अंकल वहां पर एक होटल चलाते हैं. We shall spend our holidays at Almora. Parth, mute yourself. हम अपनी हॉलीडेज अल्मोरा में क्यों स्पेंड करेंगे? बिकॉज माय अंकल, क्योंकि मेरे अंकल वहां पर एक होटल चलाते हैं. लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, आई वॉज टायर्ड. आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 5 आवर्स. मैं बहुत थका हुआ था. क्यों? I had been driving for 5 hours. क्योंकि मैंने कितने घंटे ड्राइव किया? 5 घंटे लगातार ड्राइव किया. I was tired because I had been driving for 5 hours. Next part, the use of a conjunction depend upon what we want to say. Conjunction का use जो है हम करते हैं वो किस चीज पे depend करता है कि हम क्या कहना चाहते हैं. Look at different conjunctions we have used in a sentence. एक ही sentence के साथ आप देखिए different conjunctions use की हुई हैं. Like first, एक sentence आपको दिया हुआ है. I shall come to your house. मैं तुम्हारे घर आऊंगा. Okay? First, उसके साथ conjunction कौन सी use की हमने? If. If I can. अगर मैं आ सका तो. Suit कर रही है इसके साथ. Second, I shall come to your house. When I find time. मैं तुम्हारे घर आऊंगा. When? जब मुझे time मिलेगा तब. Same sentence, I shall come to your house because I want to meet your father. क्योंकि मैं तुम्हारे father से मिलना चाहता हूं. Again, I shall come to your house but I will not stay very long. मैं तुम्हारे घर आऊंगा बट, लेकिन आई विल नॉट स्टे वेरी लॉन्ग, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा. नेक्स्ट सेम सेंटेंस, आई शेल कम टू योर हाउस एंड टेक सम रेस्ट. मैं तुम्हारे घर आऊंगा और थोड़ा रेस्ट करूंगा. आई शेल कम टू योर हाउस और रिंग यू अप.
देखो बेटा एक ही सेंटेंस से कितने सारे हमने कंजंक्शन आगे यूज कर दी और डिफरेंट सेंटेंस से उसे ज्वाइन कर दिया। ओके आप भी ऐसे एग्जांपल कोई मुझे दे सकते हो। ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, ये करने के बाद आपकी टर्न है। ओके फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजंक्शन, सिलेक्ट योर कंजंक्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यूज वन कंजंक्शन ओनली वंस, एक कंजंक्शन को एक ही बार यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप सेम दो ब्लैंक्स में यूज कर लो। ओके कौन कौन सी हैं? एंड बट और अंटिल बिकॉज दैट इफ व्हेन दो। फर्स्ट सेंटेंस, कैट्स कैन क्लाइंब ट्रीज बट डॉग्स कैन नॉट। कैट्स जो हैं वो ट्री पे चढ़ सकती हैं, क्लाइंब कर सकती हैं, बट डॉग्स कैन नॉट। एक की पॉजिटिव बात बताई हुई है, उसको कंपैरिजन किया हुआ है डॉग्स के साथ कैट्स को, तो हम यहाँ कौन सी कंजंक्शन यूज करेंगे? बट। सेकंड वन, चिल्ड्रन लव्ड एंड रिस्पेक्टेड नेहरू। देखो दोनों पॉजिटिव चीजें हैं, एक तरह की बातें बताई हुई हैं। लव भी करते हैं चाचा नेहरू से और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं बच्चे। थर्ड वन, यू मस्ट कैरी हैवी वूलन्स विद यू। तुम्हें अपने साथ हैवी गरम वुलन कपड़े लेके जाने हैं, जाने चाहिए, और यू विल हैव प्रॉब्लम्स, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप हिल स्टेशन पे जाते हो और हैवी वुलन नहीं लेके जाओगे तो पक्का वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, लीव अर्ली इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड ट्रैफिक जैम। If means यदि, अगर, जल्दी चले जाओ अगर तुम चाहते हो कि तुम ट्रैफिक जैम में ना फंसो। Next one, I cannot leave until the job is finished. Until होता है जब तक कि, मैं नहीं जा सकता जब तक कि मेरा जो काम है वो फिनिश ना हो जाए। Sixth one, blank a fierce storm was blowing, we decided to continue the journey. तो हालांकि, जबकि, तो का मतलब होता है जबकि एक बहुत भारी तूफान, काफी तेज हवा चल रही थी, पर फिर भी हमने डिसाइड किया अपनी जर्नी को कॉन्टिन्यू करने का। सेवेंथ वन, द चाइल्ड बिगेन टू लाफ, बच्चे हंसने लगे, when he saw the clown, जब उन्होंने क्लाउन को देखा। क्लाउन जो बॉल से ट्रिक्स करता है ना, उसे क्लाउन बोलते हैं, जोकर। मदर टेरेसा सेड, सेड मोस्टली दैट ही आता है कि उसने कहा, आगे वो बात बताई जाती है। मदर टेरेसा ने क्या कहा कि हर एम इन लाइफ वाज टू सर्व द सफरिंग पीपल, कि उनका एम क्या है लाइफ में, क्या करना चाहती हैं वो, टू सर्व द सफरिंग पीपल, जो लोग सफर कर रहे हैं, जो लोग पॉवर्टी की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से सफर कर रहे हैं, अपने लाइफ को प्रॉपर नहीं जी पा रहे हैं, उनकी हेल्प करना। वी कुड नॉट हैव टी बिकॉज वी हैड नो मिल्क, हम टी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वी हैड नो मिल्क, हमारे पास मिल्क नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, नाउ इट्स योर टर्न। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी एग्जांपल्स ऑफ एंड कंजंक्शन, एंड यूज कंजंक्शन एंड इन अ सेंटेंस। Try करना wrong or different matter.